शिवराज कैबिनेट के विस्तार की अटकलें हैं, लगातार मंथनों का दौर जारी है, लगातार दिग्गज नेताओं के बीच चर्चाएं हो रही है, कुछ नाम तय हैं और कुछ नामों पर अभी भी संशय बरकरार है। ऐसे में जो नाम तय हैं उसमें राजेंद्र शुक्ला जी का नाम सबसे पहले आता है। हमारे साथ राजेंद्र शुक्ला जी है, रीवा क्षेत्र के और विंध्य क्षेत्र के कद्दावर नेता है और ऐसे में उनके नाम पर लगभग मुहर लग चुकी है। मैं उनसे बातचीत कर रहा हूँ। सर, अभी तक के मंथन में ये सामने आया है कि राजेंद्र शुक्ला जी का नाम तो बिल्कुल लगभग तय हो गया है। किन्होंने बताया? हमारे पास जो इनपुट है वो ये कह रहे हैं कि राजेंद्र शुक्ला जी का नाम लगभग तय है मंत्रिमंडल में जगह के लिए। अभी आपकी सूचना है, मेरे पास अभी ऐसी कोई सूचना नहीं। नहीं, हमें पता चला कि आप बिल्कुल रीवा से बाई रोड भोपाल पहुँचे हैं और आपको कहा गया है कि आप भोपाल पहुँचिए, भोपाल में रहिए। और जो हुजूम दिखाई दे रहा है आपके समर्थकों का यहाँ पर, वो तो कई संकेत दे रहा है हम लोगों को। देखिए, आप शायद ये जब से मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा शुरू हुई है उसके पहले यहाँ पर नहीं आए। यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले हम आए थे जब, तो घोषणा पत्र समिति की बैठक के लिए, तो उस समय भी अंदर बैठक कर रहे थे और बाहर हमारे सब जो जानने वाले हैं, शुभचिंतक हैं, उस समय भी यहाँ पर इसी प्रकार से बैठक होती थी। तो अभी इस प्रकार से कोई सूचना नहीं है, जब सूचना होगी तो ज़रूर आपको बताएंगे। अच्छा, मंत्रिमंडल की ज़रूरत क्यों पड़ रही है इस समय, मतलब विस्तार की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? समय बहुत कम है, चर्चाएं जो हो रही है कि नाराजगी या फिर विंध्य में अभी तक जो देना था इन 3.5 वर्षों में एक प्रतिनिधित्व, वो कम रहा, इसलिए अब राजेंद्र शुक्ला जी को लेकर आया जा रहा है। इसके लिए आपको हमारे संगठन के जो प्रमुख हैं और मुख्यमंत्री जी और जो सीनियर लीडर्स हैं, जिन लोगों जो लोग बैठ के फैसले करते हैं, उनसे पूछना पड़ेगा। क्या वाकई विंध्य में प्रतिनिधित्व की कमी है अभी, जैसा पहले हुआ करता था कि विंध्य से राजेंद्र शुक्ला जी का नाम हमेशा प्रमुखता से रहता था, चाहे वो मंत्रिमंडल में हो या हर जगह, लेकिन इस बार थोड़ी कमी दिखाई दी? नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि विंध्य से 3 मंत्री अभी भी हैं और विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय गिरीश गौतम जी स्पीकर हैं, तो स्पीकर भी हैं और 3 मंत्री भी हैं, एक सतना से हैं, एक उमरिया से हैं, एक अनूपपुर से हैं, तो मुझे नहीं लगता कि विंध्य का प्रतिनिधित्व कम है। राजेंद्र शुक्ला जी की कमी खल रही है ना मंत्रिमंडल में, ये अलग बात है कि जो हमारे शुभचिंतक हैं, चाहने वाले हैं, उनको ये महसूस हो सकता है, लेकिन प्रतिनिधित्व कम नहीं है। अच्छा, अभी तक आपको कोई संकेत ऐसा नहीं मिला कि आप आइए भोपाल में ही रहिए 2-4 दिन जब तक ये सारी चीज़ें क्लियर ना हो जाए? इस प्रकार से किसी जिम्मेदार जो लोग हैं उनकी तरफ से नहीं है। बाकी भोपाल हमारा रूटिंग कोर्स में घोषणा पत्र समिति के मेंबर होने के नाते आना होता है, क्योंकि अब हमारी डेडलाइन आ रही है, जल्दी घोषणा पत्र हमको फाइनल करना है। तो भोपाल पिछले 2-3 महीनों में, उसके पहले तो हम कम आते थे, 3 महीनों में ज़्यादा आना होता है। 2018 में भोपाल और हम बात करें ग्वालियर चंबल की या फिर मालवा निमाड़ की, इन सबको पीछे छोड़ते हुए विंध्य ने एक बड़ी लीड बीजेपी को दी थी और कहा, ये रिजल्ट बता रहे थे कि विंध्य जो है वो सरकार बना सकता है, लेकिन सरकार तो नहीं बनी, लेकिन विंध्य ने जो जीत दी है बीजेपी को वो कहीं ना कहीं खली और अब जो है प्रतिनिधित्व की बात हो रही है। तो क्या लगता है विंध्य वही इतिहास दोहराएगा अब 2023 में? विंध्य क्षेत्र के लोग, मुझे बड़ा गर्व है कि सिर्फ विकास चाहते नहीं हैं, विकास होता है तो उसका प्रतिसाद भी देना जानते हैं। 2018 का चुनाव में जिस प्रकार से समर्थन मिला, 15 वर्ष सरकार में रहने के बाद आपको बहुत कम उदाहरण मिलेगा पूरे देश में विधानसभा चुनावों का। आप पता करिए कि 15 साल सत्ता में रहने के बाद हम 16 सीटों से बढ़ के और 24 सीट हो गए। इसका मतलब कि एंटी इनकम्बेंसी शून्य थी, अब प्रो इनकम्बेंसी जो थी वो बिल्कुल परवान चढ़ी हुई थी। ये सुशासन, सत्ता का सदुपयोग का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, और उससे भी ज़्यादा यदि श्रेय किसी को जाता है तो उस क्षेत्र की जनता को जाता है विंध्य की, जिन्होंने इस विकास को स्वीकार करके और चुनावों में आशीर्वाद देके भारतीय जनता पार्टी को और ये बड़ा समर्थन दिया है। इससे हम लोग बड़े गौरवान्वित हैं। मैं तो मुख्यमंत्री जी अभी आए थे रीवा में, भरी सभा में मैंने कहा कि विंध्य की जनता सिर्फ विकास चाहती नहीं है कि ये भी हो जाए, हवाई अड्डा भी बन जाए, सुपर स्पेशलिटी भी बन जाए, 4 लेन की सड़कें बन जाएँ, फ्लाई ओवर आर ओ भी बन जाए और चुनाव में फिर दूसरे को वोट दे दे। विंध्य की जनता ऐसी नहीं है, विकास यदि चाहती है और विकास यदि होता है तो उसका आशीर्वाद देना भी विंध्य की जनता जानती है,
ये मैंने अभी एक सभा में भी कहा था। 24 से कम हो सकती है या 24 से बढ़ सकती है 23 में, क्योंकि राजेंद्र शुक्ल जी मंत्रिमंडल में नहीं दिखाई दिए 3.5 साल। नहीं, कम होने का कोई कारण इसलिए नहीं है कि मंत्रिमंडल में कौन है कौन नहीं है, ये अलग मैटर है, लेकिन क्या विकास प्रभावित हुआ? विकास तो प्रभावित हुआ नहीं। विधायक के नाते भी रीवा में जो भी काम संभव थे, जैसे ये बात सही है कि बहुत से काम ऐसे थे जिसको 12 में उसकी शुरुआत की, 13 में की, 14 में की, और वो पूरे हुए अभी 23 में हो रहे हैं, पूरे एक एक करके उसके लोकार्पण हो रहे हैं, तो वो विकास धीमा ना पड़ने पाए इसकी हम लोगों ने बहुत चिंता की है। मुख्यमंत्री जी ने बहुत सहयोग भी किया है, जहाँ कहीं कोई मंत्री नहीं है इसके कारण काम धीमा पड़ रहा था, वहाँ पे मुख्यमंत्री जी का सहयोग लेके और उनसे पुश करा के अंततः हम लोगों ने वो सारे काम पूरे करा लिए जो उस क्षेत्र की बहुत बड़ी ज़रूरतें थी। अभी आपको मंत्री भी बना दिया जाता है, कम समय मिलेगा मेरे ख्याल से 1 महीने 1.5 महीने, तो ऐसे में कुछ काम जो आपने सोच रखे हो मन में विंध्य के लिए, ग्वालियर अपने रीवा क्षेत्र के लिए? वो तो मंत्री बनेंगे तो भी करा लेंगे, नहीं बनेंगे तो भी करा लेंगे, क्योंकि संस्कृत विश्वविद्यालय रीवा की बहुत बड़ी मांग है। संस्कृत विद्यालय और महाविद्यालय पूरे मध्य प्रदेश के लिहाज से यदि आप देखें तो 50% हमारे विंध्य क्षेत्र में है, और विश्वविद्यालय उज्जैन में खुला, तब से हमने अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया था कि विश्वविद्यालय एक हमारे विंध्य क्षेत्र में भी बनना चाहिए, क्योंकि जब संस्कृत संक्रमण के दौर में था तो उसको बचाने का काम हमारे विंध्य क्षेत्र के स्कूल और कॉलेजेस ने किए थे, तो मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा की रोड शो में जब आए थे, और उसको बहुत तेज़ी से हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो संस्कृत विश्वविद्यालय का जो वो कैंपस रीवा में शुरू होना है, वो इस प्रकार के जो काम हैं जो पाइपलाइन में हैं उसको विधायक के नाते भी कर सकते हैं, और यदि विधायक के नाते कमजोरी पड़ रही है तो मुख्यमंत्री जी हैं, उनके पास जाके और उनसे अधिकारियों को फ़ोन करा के और करा सकते हैं। तो राजेंद्र शुक्ल जी का कहना है कि अभी तक उनको किसी प्रकार का कोई सूचना या संदेश नहीं है मंत्रिमंडल विस्तार में उनको शपथ लेने को लेकर, या फिर कब होगा, इस तरह की कोई सूचना उनको नहीं है, लेकिन ये जो समर्थक यहाँ बैठे हुए हैं और उनका जो भोपाल आना, ये जरूर संकेत दे रहा है कि कुछ न कुछ विंध्य को जरूर बड़ा मिलने वाले हैं आने वाले दिनों में। कैमरा पर्सन रमेश राजपूत के साथ विवेक पटिया, IBC 24 भोपाल।